हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे पास टाटा एल्ट्रोज डीजल। तो यार आज इसे चला के देखते हैं सिटी ट्रैफिक में कैसा इसका रिस्पांस रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ओवरऑल आप यहां पे अभी चेक कर सकते हो, 19.2 शो कर रहा है माइलेज। मैं माइलेज टेस्ट नहीं कर रहा अभी क्योंकि यार टैंक टू टैंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा सिटी में। तो पूरी वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्सिव इंजन है इसका और मैनुअल वेरिएंट है तो कैसा मजा देती है गाड़ी। पूरी वीडियो देखना एंड तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत मजा आने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो निकल गए हैं यार हम। देखो यार, नॉइजी तो है गाड़ी, नॉइज तो आती है आपको इंजन की, बहुत एविडेंट है। रोड नॉइज भी आती है, विंड नॉइस अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट हाँ रोड नॉइस तो है गाड़ी में। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं यार, वेरी नाइस सस्पेंशन। देखो पुल दिखाऊं, ये देखो हम सेकंड गियर में। तो थोड़ा सा लैग लेती है गाड़ी, थोड़ा सा मतलब टर्बो लैग है यार, डीजल है भली तो लैग तो है, बट एक बार जब ये 2000 आरपीएम के आसपास पहुंच जाती है ना, फिर इसकी पावर निकल के आती है। देखो फिर से स्पीड ब्रेकर है, हमने 20 की स्पीड पे। अरे यार सस्पेंशन बहुत अच्छा है, मजेदार सस्पेंशन। स्टेयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, मतलब इतना रिस्पॉन्सिव है, बहुत बढ़िया। और फील बड़ी अच्छी है यार इसकी ना, इस वाले स्टेयरिंग की। यार अगर मैं इनिशियल इम्प्रेशंस बताऊं आपको, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ अगर आप पेट्रोल गाड़ी से कंपैरिजन करोगे तो यार पेट्रोल ज्यादा अच्छी है सिटी के लिए, क्योंकि एक तो यार स्मूथ होता है, लो एंड अच्छा होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, मतलब अगर आप क्विक ओवरटेक करना चाहते हो ना फर्स्ट और सेकंड गियर में, तो इसमें थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जो लो एंड है वो इतना अच्छा नहीं है इसका। जब तक ये 2000 आरपीएम तक नहीं पहुंचती है गाड़ी, तब तक इसमें पावर नहीं आ रही यार, ये चीज मैंने नोटिस करी है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। सेकंड गियर में यार मतलब पेट्रोल की गाड़ी बहुत इजीली उठ जाती है, मैं जैसे ब्रेजा चलाता हूं मुझे कोई चैलेंज नहीं आता, क्लच ही उठ जाती है वो। तो इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्लच बहुत लाइट है, पर डीजल जैसी होती हैं गाड़ियां, बहुत हार्ड होता है क्लच उनका। इसका बहुत ही स्मूथ है यार, क्लच बहुत स्मूथ है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बट हाँ क्विक ओवरटेक देखो, जैसे अब मैं ट्राई करता हूँ, मैं तीसरे गियर में हूँ, ये देखो मैंने पूरा पंजा दबा दिया, तो जब तक ये 2000 तक नहीं पहुंचती नहीं आती पावर यार, पावर ही जनरेट नहीं कर पा रही है गाड़ी। 2000 आरपीएम के बाद इसमें एम्पल पावर है, बट उससे पहले मजा नहीं आ रहा यार। सिटी में तो दिक्कत है, सिटी मोड में ही चल रहे हैं और हम, इको में तो और बुरा हाल हो जाएगा, पर हाँ आप देख सकते हो इस तरह पूरा जाम लगा पड़ा है यार। और हमें मेरठ में, अपना मेरठ, तो रोड देखो यार क्या मस्त बन गई है, नितिन गडकरी जी के पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसीलिए अब ग्राउंड क्लियरेंस इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहा है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, बट वो चैलेंज नहीं है। तो यार वैसे ठीक है गाड़ी, बट हाँ क्विक ओवरटेक में आपको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। देखो जैसे अभी ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम आ गए हैं, ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की, बेटा हल्की हल्की वाइब्रेशन आपको ब्रेक पे मिल जाएंगी, हल्की हल्की है, बहुत मिनिमल है। गियरिंग इसकी यार थोड़ी ऊपर नीचे है, मतलब उतनी स्मूथ नहीं है जितनी होनी चाहिए आइडियली, गियर बॉक्स बेटर हो सकता है। तो यहां से निकलता हूं यार, क्योंकि यहाँ पे एक हाथ से कर नहीं पाऊंगा मैं शूट, आगे मिलता हूँ क्रॉस करके वाला पैच।
तो यार तीसरे चौथे गियर में चलते हैं सिटी में, आपको पता है पांचवे पे नहीं, बट यार एवरेज को देख के मैं सरप्राइज हूँ सच में, एवरेज बहुत अच्छा निकाल रही है यार। ये तो 5 स्पीड वाली है, 5 गियर बॉक्स है इसमें, पर यार हाँ यहाँ पे कुछ लड़ाई वगैरह हो गई भाई, भीड़ लग रही है, कुछ तो हो रहा है। चलो हम नहीं पढ़ेंगे, हम जल्दी निकल लेंगे यहाँ से, एक्सीडेंट हो गया शायद। लोग ऐसे जमा हो जाते हैं, ये नहीं कि किसी की हेल्प करें और खाली करें जगह, वहीं पे खड़े हो जाएंगे। ये देखो यार, ये बहुत गलत सीन है भाई, ये देखो ये देखो, पता नहीं क्या पंचायत होती है लोगों को, एक तो इतना खाली है ना, लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं यार, ये नहीं कि बंदे की चीजें को सॉर्ट करा के उन्हें यार जाने दो, उनका काम खत्म करो, अपना टाइम भी बचाओ दूसरों का टाइम भी बचाओ, भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। बिग बॉस वाला वो है यार कंट्री हमारी, बिग बॉस पसंद है यहाँ पे सबको। तो हाँ आते हैं अपने वाले टॉपिक पे, तो यार देखो खाली रोड है तो आपको कोई चैलेंज नहीं है, बट ब्रेक लेके जैसे ही आप उठाओगे ना गाड़ी को तो चैलेंजिंग है सच में। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं यार पर, सरप्राइजिंगली मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, बट हाँ हैचबैक गाड़ी हो के जो इसके सस्पेंशन है भाई, ये देखो यार पूरा पंप है, अरे वाह। ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इशू यार इसके साथ, क्योंकि सस्पेंशन इतने अच्छे से ट्यून कर रखे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ये देखो अब मैं ना फर्स्ट गियर में मेरे को डालनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड गियर में अगर मैं क्लच से उठा रहा हूं तो ये वाइब्रेट कर रही है थोड़ा, और बंद होने के चांसेस हैं, तो वो रिस्क नहीं लेंगे हम। सस्पेंशन बहुत बढ़िया भाई, स्टेबिलिटी तो और नेक्स्ट लेवल है, क्या सॉलिड फील दे रही है यार गाड़ी, मस्त। स्टेयरिंग इतना लाइट है, बहुत ही प्यारा, एक हाथ से देख रहे हो आप मैं कितनी इजीली हैंडल कर पा रहा हूं। मैं किसी को मतलब कह नहीं रहा हूं कि यार आप लोग एक हाथ से बनाओ, मैं बस वीडियो पर्पज से कर रहा हूं, और मैं बहुत सेफ एनवायरमेंट में कर रहा हूं, मैं स्पीड को बहुत लिमिटेड रख रहा हूं, आप देख सकते हो मैं 60 से ऊपर भी नहीं जा रहा हूं, और मेरा ध्यान रोड पे ही है, तो बस आपको दिखाने के लिए यार, देख लो कितनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। तो अभी हम फोर्थ गियर पे हैं, फोर्थ गियर पे ना मतलब इंस्टेंट ही खुद ही देखो खुद ही पुल कर रही है अपने को 1000 RPM के ऊपर। 1000 RPM से 2000 RPM तक का सफर है आपका, जिसमें आपको लैग मिलेगा और पावर नहीं मिलेगी, 2000 पार होती तो भाई क्या चलती है गाड़ी, पर हाईवे हाईवे चाहिए ना उसके लिए, सिटी में तो यार नहीं मजा नहीं आएगा। अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो स्पेसिफिकली इसे, आपका सिटी में ज्यादा रन है तो आप इसे कंसिडर्ड मत करना अल्ट्रॉस को, अगर करनी है तो आप ऑटोमेटिक वाली कर लेना डीजल, पर हाँ मैनुअल मत लेना यार, क्योंकि गियर बॉक्स भी उतना अच्छा नहीं है, ट्रैवल एक तो बहुत ज्यादा है इसका, इसका ट्रैवल ना बहुत ज्यादा है, आगे पीछे बहुत दूर तक है ट्रैवल, और उतना स्मूथ नहीं है, मतलब टाइट नहीं कहूंगा मैं ऐसे। ये देखो ये प्ले भी है इसमें थोड़ा ना, आगे पीछे हो रहा है देखो ऐसी, तो ये चीज है। तो यार मजा देगी आपको, पर हाईवे पे देगी ये गाड़ी, पर एवरेज को लेके भाई कोई कंसर्न नहीं है यार। देखो हमने 19.3 पे चालू किया था और तब से हमने 5 वगैरह डाला ही नहीं है, और स्पीड भी आप देख ही रहो मैं कैसे ट्रैफिक में चल रहा हूं, अभी भी 19.2 रिफ्लेक्ट कर रही है यार, वेरी नाइस भाई, ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार, बढ़िया। डीजल तो बढ़िया माइलेज दे रही है, बड़ा इंजन है यार, 1.5 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर, ऐसा नहीं है कि छोटा इंजन है। राइड हैंडलिंग बहुत बढ़िया है, दो इशू मुझे लगे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, 1000 RPM से 2000 RPM वाला स्ट्रगल, सेकेंड गियर जो है यार मैनुअल की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, मैनुअल गियर बॉक्स स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा रिजिड है, गियर अटक जाता है कभी कभी, क्योंकि एक तो ट्रैवल बहुत ज्यादा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना ट्रैवल क्यों दे रखा है यार। ये देख रहे हो आप, देखना अभी देखना मैं गियर चेंज करके दिखाता हूँ, एक बार स्टीयरिंग सीधा कर लूं, बस थोड़ा सा टिल्ट है ना रोड। ये यूनिवर्सिटी है यार, CCS यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसका, लेफ्ट हैंड पे जो चल रही है CCS यूनिवर्सिटी है। तो ये देखो यार ये गियर, ये मैंने चेंज कर, ये देखो इसका ट्रैवल बहुत ज्यादा है यार, तो ये थोड़ा कम हो सकता है, इनिशियल जो पुल है ना वो मिस कर गई गाड़ी, एटलीस्ट 2000 RPM तक खिंचे तो यार, मैं अकेला चल रहा हूँ गाड़ी में, कोई नहीं है मेरे साथ गाड़ी में,
अकेले बंदे के साथ प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये फुल होके चलेंगे तो सिटी में तो चलाने में हालत खराब हो जाएगी यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो सही में हो जाएगी, ओवरटेक तो भूल जाओ, आपको क्विक वाले वो पॉसिबल नहीं है इसमें, वो हाईवे पे पॉसिबल है भाई, हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस अलग है। हाईवे की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पिन करके कि अगर आपको इसकी हाईवे की परफॉर्मेंस देखनी है, हाईवे पे तो बहुत बढ़िया चलती है यार, क्या स्टेबिलिटी है गाड़ी की, कितनी चला लो आप, पुश करते रहो इसे, पुश होती रहती है, ये कहीं पे मतलब ऐसे नहीं है कि आपको डिसअपॉइंट करेगी, बहुत बढ़िया पुल है इसका, 2000 आरपीएम जैसे मैंने आपको बताया पार करती तो मजा आ जाता है इसमें। तो यार आप मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो, सिटी ड्राइविंग एंड टाटा एल्ट्रॉस डीजल, नई चीज मैंने स्टार्ट की है, मैंने सोचा मैं जा रहा हूं तो आप लोगों को दिखा दूं कैसा एक्सपीरियंस रहता है सिटी में भी इस गाड़ी का, तो आप मुझे बताना अगर आपको ये वाला कंटेंट पसंद आया तो हम डेफिनेटली इसे एक्सटेंड कर लेंगे और भी कार्स के साथ ये वाला कर लेंगे, टियागो के साथ हम ये कर सकते हैं और डीसी है हमारे पास एल्ट्रॉस वाली, ब्रेजा के साथ तो यार ब्रेजा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं डेली ड्राइव करता हूं तो मुझे पता है वो तो बहुत बढ़िया गाड़ी यार, क्लच से जो गाड़ी मतलब सेकंड गियर में भी इतनी स्मूथली उठ जाए जरा सी वाइब्रेशन, सुजुकी का काम तो है यार। तो यार ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहां पे भी बहुत सारा कार का कंटेंट आता है, रील्स आती है बहुत अच्छी अच्छी, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।